हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। दिल्ली में बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर हैं। इनमें से एक है दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर, जहां आप दिल्ली मेट्रो के जरिए आराम से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर दिल्ली की ब्लू लाइन मेट्रो से सैर कर रहे हैं तो आप भी इस मंदिर को देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में। अक्षरधाम मंदिर का निर्माण BAPS यानी बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की ओर से किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में भगवान स्वामी नारायण की अध्यात्म परंपरा के पांचवें उत्तराधिकारी प्रमुख स्वामी महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 6 नवंबर साल 2005 में हुआ, जिसे 8 नवंबर 2005 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अक्षरधाम का अर्थ है ईश्वर का दिव्य निवास। ये भक्ति, पवित्रता और शांति के स्थान के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भक्ति सीखने और सद्भाव के लिए समर्पित है। यहाँ आप भारत की पौराणिक सभ्यता को गुजरते देखेंगे। अक्षरधाम में हर एक चीज अध्यात्म से जुड़ी है, चाहे फिर वो मंदिर हो, एग्जीबिशन हो या गार्डन हो। अक्षरधाम में लगभग 200 मूर्तियां हैं जो सहस्त्राब्दियों से आध्यात्मिकता का परिचय दे रही हैं। अक्षरधाम का आध्यात्मिक आधार ये है कि प्रत्येक आत्मा एक दिव्य ज्योति है। यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन काफी प्रसिद्ध है, जहाँ सुंदर कथा का वर्णन किया जाता है, जिसमें कुछ लोग भी शामिल होते हैं। तरह तरह प्रकाश और पानी के भाव लोगों का मन जीत लेते हैं। ये शो शाम के समय लगभग 25 मिनट के लिए होता है, जिसकी टिकट 80 रुपए है। अडल्ट के लिए और 4 से 11 साल के बच्चों के लिए 50 रुपए है। वहीं 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फ्री है। ये शो हिंदी भाषा में आयोजित किया जाता है। अक्षरधाम मंदिर सोमवार को बंद रहता है और बाकी के दिनों में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक एंट्री कर सकते हैं। तो आप भी जरूर इस भव्य मंदिर के दर्शन करने जाएं।